हेलो स्टूडेंट्स, लेट अस अंडरस्टैंड द फॉलोइंग क्वेश्चन। डिटरमाइन के सो दैट के स्क्वायर प्लस में 4k + 8 कॉमा 2k² + 3k + 6 एंड 3k² + 4k + 4 आर थ्री कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी। सो लेट्स सी गिवन इंफॉर्मेशन इन दिस क्वेश्चन। तो हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, कुछ टर्म्स दे रखे हैं ना, जो क्या है के स्क्वायर प्लस 4k + 8 एंड सेकेंड टर्म क्या दे रखी है 2k² + 3k + 6 एंड 3k² + 4k + 4 आर थ्री कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी। सो लेट्स सी सॉल्यूशन पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। सो लेट्स सी सॉल्यूशन पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। तो देखिए, हमें यहाँ पे के की वैल्यू फाइंड आउट करना है, और यदि ये टर्म्स कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी है तो कॉमन डिफरेंस की डेफिनेशन से हम इसे क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लिखते हैं बाय यूजिंग डेफिनेशन ऑफ कॉमन डिफरेंस। ओके, तो ये क्या हो जाता है, T2 - T1 इज इक्वल टू T3 - T2। तो ये जो टर्म दे रखी है हमें, इसको T1 कह दिया, इसे T2 और इसे T3 कह दिया। ओके, तो हमने यहाँ पर क्या करना है, अब वैल्यूज रखनी है। तो यहाँ सबसे पहले तो डिसाइड कर ही लेते हैं हम लोग क्या, कि T1 किसको बोला हमने, के स्क्वायर प्लस 4k + 8 एंड T2 किससे कह दिया, 2k² + 3k + 6 एंड T3 हमने कह दिया किसे, 3k² + 4k + 4 ऐसा हमने अज्यूम कर लिया। ओके, तो देयरफॉर अब इन वैल्यूज़ को जब यहाँ रखेंगे, T2 मीन्स क्या, 2k² + 3k + 6 -T1। तो T1 कितनी है, k² + 4k + 8 इज इक्वल टू T3, 3k² + 4k + 4 माइनस यहाँ पे कितना, T2 कितना है अपने पास में, 2k² + 3k + 6। ओके, तो हमने क्या करना है, इस इक्वेशन को ब्रैकेट ओपन करके सॉल्व कर देना, उससे के की वैल्यू इजीली आ जाएगी। तो इम्प्लाइज दैट, देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, 2k² + 3k + 6 -k² - 4k - 8 इज इक्वल टू, देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, 3k² + 4k + 4 -2k² + 3k। सॉरी, यहाँ से ऑब्वियसली साइन चेंज हो जाएगा ना, पॉजिटिव है तो नेगेटिव आएगा, तो -3k और -6। ओके, तो अब हम देख रहे हैं, इम्प्लाइज दैट 2k² - k² कितना हो गया, k² और 3k - 4k -k + 6 - 8 - 2 इज इक्वल टू, देखिए 3k² - 2k² k² बचा और 4k और -3k प्लस में k बच गया एंड 4 माइनस में, तो ये -2 हो गया। तो यहाँ से देख पा रहे हैं कैंसिल हो चुका है ना, के स्क्वायर से के स्क्वायर भी कैंसिल हो चुका है। तो इम्प्लाइज दैट यहाँ से हमने इस k को इधर ट्रांसफर करना है, तो k + k इज इक्वल टू 0। सो इम्प्लाइज दैट k इज इक्वल टू भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि 2k इज इक्वल टू 0 होगा। सो हमने यहाँ पे फाइनल आंसर लिख देना है, सो वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू 0। सो दिस इज फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड बाई दिस सॉल्यूशन। थैंक यू।